नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोले आपका अपने चैनल कैड गैलेक्सी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की ड्राइंग को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और साथ ही इसके हम कुछ सेटिंग भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास कोई ड्राइंग है जिसकी हमें पीडीएफ फाइल बनाना है। इसमें हमें पीडीएफ फाइल बनाने से पहले हम इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हमें मॉडल पर आना है और राइट क्लिक करना है। फिर हमें पेज सेटअप मैनेजर पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। हम यहाँ पे एक न्यू पेज सेटअप बनाते हैं या हमारे पास जो पुराने पेज सेटअप रहते हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। तो मैं यहाँ पे न्यू पेज सेटअप बनाता हूँ, इसके लिए मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमें पेज सेटअप का नेम देना है। मैं फिलहाल यहाँ पर A4 साइज दे देता हूँ। आप यहाँ पे कोई और नेम रख सकते हो। फिर इसे ओके कर लेना। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रिंटर और प्लॉटेड। तो मैं यहाँ पर DWG to PDF पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आना है पेपर साइज। तो यहाँ पर हमें जिस पेपर साइज पर हमें पीडीएफ बनानी है उस पेपर साइज को हम ले लेते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर ISO A4 साइज लिया है। फिर यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करना है और विंडो पर क्लिक करना है। विंडो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास साइड में एक और ऑप्शन आया है विंडो का। इस पर क्लिक करते हैं और जिस एरिया को हमें प्लॉट करना है उसे हम कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमें उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू में हमारी ड्राइंग प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है। ये कॉर्नर में है, इसका साइज छोटा है पेपर के कंपेरिजन में और ये कलरफुल है। तो मुझे जो ड्राइंग चाहिए वो सेंटर में होना चाहिए और प्रॉपर साइज में होना चाहिए और वो ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मुझे आना है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेंटर द प्लॉट। सेंटर द प्लॉट करने पर हमारी ड्राइंग सेंटर में आ जाएगी पेपर के। फिर उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है फिट टू पेपर। फिट टू पेपर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ड्राइंग पेपर से बाहर नहीं जाएगी। अधिकतर क्या होता है कि हम प्रिंट आउट लेते हैं, हमारी आधी ड्राइंग पेपर पर आती है आधी नहीं आ पाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिट टू पेपर पर क्लिक करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर ड्राइंग हमें ब्लैक एंड वाइट लेनी है तो यहाँ पे मोनोक्रोम पर क्लिक करते हैं और इसे यस कर देते हैं। और अगर आपको ड्राइंग को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में लेना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप पोर्ट्रेट में लोगे तो ड्राइंग कुछ इस तरीके से शो होगी, और अगर आप इसे लैंडस्केप में लोगे तो ड्राइंग कुछ इस तरीके से शो होगी। तो हमने यहाँ पे इसे लैंडस्केप किया है। इतना करने के बाद हम इसे ओके कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, A4 साइज पर क्लिक करते हैं, इसे सेट करंट कर लेते हैं और इसे क्लोज कर लेते हैं। अब इसका प्रिंट आउट लेना है तो हम यहाँ पे सिंपल सा कंट्रोल P प्रेस करते हैं और विंडोज पर क्लिक करते हैं और जिस एरिया को हमें प्लॉट करना है उतना हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं और यहीं से हम इसका प्रिंट दे देते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पर ले लेता हूँ। मैं इसका नाम यहाँ पर A4 साइज PDF दे देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, PDF बनने के बाद हमारी ड्राइंग कुछ इस तरीके से शो होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।